सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। हेलो हेलो हाँ बताओ सुधीर आए रे कहाँ कर रहे थे आ जाओ लेकिन आए कहीं नहीं रहे पैसा तो वापस कर दो कुछ देर हमने क्या कही थी तुम तो रोड की गई थी ना और तुम आ रहे हो 26 रोड से 26 से तो मना करी थी हमने कही थी 10 प्लस माइनस होगा ना कोई बात होगी 26 रोड की नहीं गई थी हमने पहले ही मना किया था 26 से थोड़ी था यहाँ तो नहीं थी काम हुई है जीती है तब नहीं ये सब तो नहीं था मैंने कही थी 10 से हार जीत होगी तब ये नहीं कि 26 और 36 की मैंने गिनती नहीं मानी थी पहले क्या वो तो बात है मेरे 197 ये 26 वोट की हार जीत है तुम्हारे यहाँ मुझे याद है बाद में उन्हें कर दे इससे घटिया बाद में कर दिए नहीं समझा ही रही खाली 26 की है तुम्हारे यहाँ मुझे याद है पक्की तौर पे अभी तुम कहोगे तो देख के बता भी दूंगा बाद में बात करना 26 में नहीं बात करते हैं ओके जीत का देखो क्या नाम है आपका मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है ग्राम पंचायत रतवानपुर से किसनी ब्लॉक अच्छा एक ज्ञापन दिया गया है एडीएम साहब को पूरा मामला क्या है बताएं जी मैं बता रहा हूँ पहले मेरी आरओ साहब से एस कुमार वर्मा जी से बात हुई थी कि हमारे चुनाव में कोई धांधली ना हो तो इन्होंने ज़्यादा पैसा बोलकर मैं पर्याप्त पैसा ना करके मैंने 1,15,000 रुपये नोक दिया था कि मेरा निष्पक्ष परिणाम मुझे दिया जाए उन्होंने आरओ साहब ने जब मेरा पहला डिब्बा 212 बूथ संख्या 213 वाला डिब्बा की अंदर से सील टूटी हुई थी मैं बराबर आरओ साहब से कहा मेरी नहीं सुनी आरओ साहब ने और सब पेपर जो भी इकट्ठे करके उन्होंने छांटे मुझे चिन्ह भी नहीं दिखाए गए मेरा कौन सा बैलेट है क्या है और उसके बाद मैंने काफ़ी कहा आरओ साहब को एक लेटर लिखा रिकाउंटिंग के लिए मुझे 3 घंटे वेटिंग बैठाल के रखे जब 3 घंटे बैठाल के रखे उन्होंने से कहा तो उन्होंने जब तक कह दिया मुझसे अब आप चुनाव हार चुके हैं अगर बोले 3 घंटे तक आप बैठे रहिए हम रिकाउंटिंग करा रहे ना ही रिकाउंटिंग की गई काफ़ी विनती के बाद तब मैंने उनसे कहा भाई मेरा काम निष्पक्ष नहीं हुआ मेरा पैसा मुझे वापस कर दो वो भी मना कर दिया दूसरे पक्ष से इन्होंने पता लगता है 7 लाख रुपए लेके मुझे चुनाव हरा दिया मैं आरओ साहब के इसी विषय में बार बार शिकायत करता हूँ करता रहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि मुझे सत्य पर न्याय मिले अच्छा ज्ञापन जो दिया गया है किस तरीके की मांगें इसमें रखी गई हैं इसमें मैंने मांगे ये रखी हैं जहाँ तक हो हमारा चुनाव निरस्त कर दिया जाए पुनः चुनाव करा के ही परिणाम देख लिया जाए क्या सत्य था क्या असत्य था या करा दी जाए तो भी परिणाम सामने आ जाएगा मेरे बैलेट पेपर दबा लिए गए हैं और मुझे बार बार कहने पर मुझे एजेंट जरूर रहा लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका वहाँ मेरी सुनवाई नहीं की आरओ साहब ने मुझे कुर बैठाल दिया क्या नाम है आपका नरेंद्र यादव अच्छा नरेंद्र जी अभी आपने एक ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को क्या पूरा मामला है किस मामले को लेकर दिया मैं प्रत्याशी हूँ जिला पंचायत वार्ड नंबर 2 से जी और वहाँ पे बहुत बड़े स्तर से धांधली हुई है वार्ड नंबर 2 में जी जिसका जो प्रत्याशी है प्रधान प्रत्याशी भी है जिला पंचायत प्रत्याशी है उसी के कॉलेज में डिब्बे रखवा दिए जाते हैं जी विरोध करने के बाद भी उसकी मैंने शिकायत भी की थी पर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई एसडीएम साहब ने कोई सुनवाई नहीं की जी उसके बाद उसके जो विद्यालय में डिब्बे जब काउंटिंग होती है तो उस वक्त सिर्फ हम लोगों को रोका जाता है उसके लिए कोई रोकथाम नहीं थी उसकी रास्ता अलग थी विद्यालय में आने जाने के लिए क्योंकि उसका आवास भी वहीं है आवास से जितने लोग 200 लोग आ गए अंदर फिर 200 लोग उसी में घुस जाते थे जैसे विवाद करने के बाद फिर उसी में घुस जाते थे ये प्रक्रिया चलती रही जैसे मैंने शिकायत की एसओ साहब को बताया तो फिर वो लोग भाग गए और जैसे एसओ साहब निकले फिर वो आ गए 200 लोग कार्यकर्ता थे वहाँ पे जो खाना बनाने वाले वो उसी ग्राम पंचायत के लोग थे अंदर घुसने का राइट उन्हीं को था हम लोग अंदर भी नहीं जा सकते थे बात करने का राइट उन्हीं को था जो काउंटिंग कर रहे थे उस वक्त सारी जो व्यवस्था थी वो उसी के अंडर कस्टडी में थी एक ऑडियो भी वायरल हुआ होगा आपने देखा होगा सुना भी होगा उनको उन्होंने शिकायत की है पैसे लेन देन के मामले में
बड़े स्तर से धांधली हुई है। और ये पूरा जो बीच का दलाल था वो गजराज था, ये बीच का दलाल, इसने जो प्रधान जीत रहा था उसको हराया, जो हरा हार रहा था उसको जिताया, कई प्रधान ऐसे रोके गए वहाँ से। और धांधली के मामले में कहूँ तो बहुत, हम लोग जहाँ विचार नहीं कर सकते, अगर हम कहेंगे तो आप यकीन नहीं करें, हम भी नहीं यकीन कर रहे थे कि इस हद तक ये धांधली हो सकती है। और प्रताड़ित करने की बात कहें तो जितने मेरे एजेंट थे उन सबको, कि 200 लोग जब आ जाते थे तो हर कमरे 30-40 घुस गए, और उनसे अनावश्यक बातें करना, जब शिकायत करते फिर वापस लौट जाना। और ये एक बहुत बड़ा माफिया है, शिक्षा माफिया भी है और ये भू माफिया भी है बहुत बड़ा। अच्छा, ज्ञापन दिया है, किस तरीके की मांगे रखी गई हैं इसमें? मांगे यही रखी, मेरी रिकाउंटिंग होनी चाहिए और जो सही निर्णय हो, जो उसमें बैलेट पेपर थे जिसमें मोहर नहीं थी, साइन नहीं थे, और जो मेरे वोट कैंसिल करे गए हैं उस पर विचार करना चाहिए। एक बार काउंटिंग रिकाउंटिंग हो जाए उसकी पोल खुल जाएगी सारी। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।